मैं अब उससे फाइट करने जा रहा हूँ और साथ में किसी को नहीं लेके जा रहा, लिटरली किसी को भी नहीं। तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, आज हम फिर से खेलने वाले हैं पाल वर्ल्ड। और गाइस, अपने 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है वो कुछ रहते हैं, बट मुझे तुम पे पूरा भरोसा है भाई, वो तुम करवा दोगे। तो गाइस, इसी खुशी में तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं एक बोनस वीडियो, यानी कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। आज इसमें हम एक ऐसी चीज करने वाले हैं, वेट भाई, बताने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वहां पे मैं लेके चलता हूं। तो गाइस, आज हम पकड़ने वाले हैं किंग ऑफ द फॉरेस्ट मेमोरेस्ट को, जो भाई लिटरली 38 लेवल का है और मैं तो भाई अभी 11 लेवल पे बैठा हूँ। भाई कोई मजाक की बात नहीं होने वाली, एक बार इसका साइज देखो और मेरा साइज देखो भाई, ये एक पैर रखेगा और मेरी चटनी बन जाएगी। देखो यार, अगर हमें इसको पकड़ना है ना, थोड़ी सी हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इन नॉर्मल पावर स्फीयर में नहीं आता है, ये आएगा इस मेगा स्फीयर में, जो अभी मेरा अनलॉक भी नहीं हुआ है भाई, वो लेवल 14 पे होएगा जाके। तो सबसे पहला मेरा ये टास्क होगा कैसे भी करके मुझे अपना लेवल 14 करना और इसको अनलॉक करना है। और गाइज, हमें अपने लेवल 14 करने के लिए ना न्यू पाल पकड़ने पड़ेंगे। तो चलो भाई, जल्दी से चल के अपना लेवल 14 करते हैं। तो देखो गाइज, सबसे पहले मैं अपने बेस में आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे चाहिए ये टॉम बैट। भाई ये एक ऐसा पोकेमोन है ना, इससे तुम कोई भी पोकेमोन भाई सर्च करवा सकते हो वो कहाँ पे है, क्योंकि इसके पास है अल्ट्रासोनिक सेंसर भाई, उसे पाल का पता लग जाता है वो कहाँ पे लुका पड़ा है। और हाँ गाइस, ये देखो भाई, इस मेगा स्पेयर की मैं बात कर रहा था, इसमें आएगा वो मेमोरेस्ट। चलो ये तो कलेक्ट कर लेते हैं भाई, फ्री की हमें मिल गई। और हाँ भाई, इसे क्राफ्ट करने के लिए ना हमें आयरन भी चाहिएगा, तो वो भी कहीं मिला ना तो उसको भी ले आएंगे। तो यहाँ पे तो कोई नेपाल नहीं है। तो देखो गाइस, मैं आ गया हूँ रैन सिंडिकेट टावर के पास, यहाँ साइड में जो सिंडिकेट का बेस है ना भाई, पिछली बार मैं यहाँ पे नहीं आया था, शायद यहाँ पे कोई न्यू पाल पकड़ रखा हो इन्होंने, तो उसको छुड़वाते हैं भाई, उससे हमें एक्सपी भी मिल जाएगी। तो चलते हैं यहाँ पे। अबे यार, ये भड़क पहले जाते हैं, ये देखो गाइस गन वगैरह ले रहे। ओह गाइस, यहाँ पे ब्रिस्टा है। ओह वेट, यहाँ पे मैं ना इसको छोड़ देता हूँ, डायनासोर को। डायनासोर संभालियो भाई, जरा मैटर संभाल थोड़ा सा, मैं इसको छुड़वा देता हूँ। अबे इसे क्या देख रहे हैं, तेरा ही दोस्त बनाऊंगा, रुक जा। अबे ओ लेट्स गो भाई, हमें मतलब लेवल 12 हो चुका है हमारा भाई, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। आ जा भाई, डायनासोर क्या कर रहा है वहाँ पे। ओके भाई, निकलते हैं जल्दी से। और हाँ भाई, चिक्की भी पकड़ लेते हैं। चिक्की पी प्लीज, आ जा, ज्यादा नखरे मत दिखाइयो। ओके भाई, चिक्की पी भी आ चुकी है। और हाँ भाई, यहाँ पे मुझे एक सीक्रेट केव मिल गया है भाई, इसके अंदर ना बहुत न्यू पाल है जो मैंने अभी तक नहीं पकड़े हैं। चलो भाई चलते हैं। अबे यार, ओबे क्या भाई, मैंने कुछ बोला भी नहीं, ज्यादा चौड़े हो रहे हो। ऐ बेटे, ज्यादा चौड़े हो रहे हो भाई, सिर पे एरो बजाऊंगा भाई। मैं क्या करता ना यार, अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आगे चलते हैं। ये यहाँ पे डायनासोर संभाल लेगा भाई, जल्दी से आगे चलते हैं। मुझे वो सफेद कपड़ा, भाई नाम लिया सफेद कपड़ा सामने है। गाइस ये तुम देख रहे हो ना भाई, ये सफेद कपड़ा है, इसका नाम क्या है, किला मारी भाई, ये सुना सुना सा लग रहा है, बट छोड़ो यार, इसको जल्दी से पकड़ते हैं। प्लीज आ जा भाई, ज्यादा मैटर मत फैलाइयो यहाँ पे। अबे तुझे बोला है मैटर मत फैला। वेट भाई, मैं ना डायनासोर को बाहर निकाल दो। डायनासोर बताइए यार जरा इसे। अबे चिपक गया, हाँ आयरन टेल में। ओ बढ़िया भाई, मुझे लगा पक्का मार दिया तूने इसे। हाँ आजा प्लीज। अबे यार, पूरा नहीं मारना था चिलेट, पकड़ना है आज हमें इनको। आइयो दोबारा बारा। ओबे ज्यादा चौड़ा हो रहा है, बताइए चिलेट थोड़ा सा। मार 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 मार, बस बच्चा जान नहीं लेनी हमने इसकी। आ जाइयो भाई, देख ज्यादा चौड़ा नहीं। ओके आ गया भाई, आ गया, बात समझते हैं भाई। वो गाइस मैं यहाँ से जा रहा था भाई, मुझे ये माऊ कैट मिली है जो हमें पैसे देती है। आइयो भाई म्यू, आजा देख घर पे दूध रखा है बहुत सारा, प्लीज मेरे साथ। ज्यादा बदतमीजी है, ज्यादा बदतमीजी। देख मैं आराम से कह रहा हूँ, मेरे साथ चल पड़, कटोरी भर के दूध दूंगा। अबे यार, बात नहीं मानते ना फिर। ओह भाई, शैडो बॉल भी है इसके पास, इतना खतरनाक अटैक है इतनी छोटी सी बिल्ली के पास। भाई मुझे तो लगा था सैंड ब्लास्ट है बस। ओके जो भी है, अपने पास आ चुकी है माऊ, और भाई हमारा लेवल भी बढ़ता जा रहा है। चलो यार जल्दी से बाहर चलते हैं और बाहर जाके न्यू पाल पकड़ते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं लगता और कोई होंगे। तो गाइस यार, मैं अपने घर पे आ गया हूं, और जो मैंने न्यू वाले पाल पकड़े ना भाई, पहले उनको देखो भाई, ये है ब्रिस्टा, बहुत ज्यादा ताकतवर पोकेमोन है भाई ये। अभी तो देखो हम इसको यूज नहीं करेंगे भाई, जब हम इसको खुद पकड़ेंगे ना तब करेंगे यूज। और भाई ये किया फर्डलर भाई, देखो कैसे माइन कर रहा है भाई, ये मुझे केव में से अभी मिला है। और भाई वो मेलपैका, वो मैंने ना पिछले एपिसोड में पकड़ा था। और भाई तुम सोच रहे हो कि मैंने ये रेंच क्यों लगाया है, तो भाई मैंने ना ये नॉर्मल पल्स पेयर के लिए लगाया है। यहाँ पे हम विक्सी को छोड़ देंगे, जो कि एटलीस्ट हमें भाई नॉर्मल पल्स पेयर तो ना बनाने पड़े। और भाई पिछले एपिसोड में मैंने नेट भी पकड़ा था, जो मैंने शायद तुम्हें नहीं दिखाया था भाई, ये देखो कैसे घूम रहा है। और भाई एक ये कहाँ पे गया, अबे ये सफेद कपड़ा गाइस, ये देखो कितना ज्यादा प्यारा लगता है भाई, ऐसे लगता है जैसे कोई कैप उड़ रही है ये देखो। और भाई इधर की साइड में
भाई उसे देखो भाई, पिछले एपिसोड में लिटरली भाई मैं ढूंढता रह गया से और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, और अब देखो भाई मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। बट भाई मैं इस बेवकूफ को नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि आज मैं पकड़ने किंग ऑफ द फॉरेस्ट को। तो चलो भाई जल्दी से चलते हैं आयरन माइन करने। आयरन इसलिए क्योंकि आयरन से बनते हैं आयरन इंगट, और आयरन इंगट बनते हैं परमिट फर्नेस में। चलते हैं अपने टेक्नोलॉजी टैब में, तो यहां से ना मैं ये परमिट फर्नेस खोल लेता हूं। तो परमिट फर्नेस को लगाते हैं यहां पे क्रशर के पास। तो चलो भाई जब तक मैं आयरन लेके आता हूं ये इसे बिल्ड कर देंगे। चलते हैं भाई अपनी आयरन वाली प्लेस पे। तो देखो गाइस मेरे सामने इतना सारा आयरन है, बट मेरे बीच में ये इतनी बड़ी सी खाई है। और भाई यहाँ पे पहले अंडा भी रखा है, अंडा भी ले लेते हैं। तो भाई अब हम एक बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लेने वाले हैं इस रूशर के साथ, यहाँ से वहाँ पे जंप मारने वाले हैं। तो चलो भाई देखते हैं क्या होता है। मुझे तो भाई बिल्कुल भी पता नहीं है क्या होगा, बस भाई लाइक का बटन दबा दो, हम वहाँ पे बस पहुँच जाने चाहिए। चलो भाई रूशर आज तेरा इम्तहान है भाई, जल्दी से भागियो। चल 3 2 1 लेट्स गो। देखा भाई तुमने ओ भाई भाई रूशर मेरा फेवरेट हो गया गाइस, रूशर फेवरेट हो गया भाई अपना। ओ यहाँ पे एक टैबलेट है और इसको ना ओपन कर लेते हैं, यहाँ से ये हम फास्ट ट्रैवल कर लेंगे। ओके इसके अंदर बाद में देखेंगे भाई जो भी है, अभी चलते हैं आयरन माइन करने। तो देखो भाई इतने आयरन को मैं पिकैक्स से माइन करने लगा ना पूरा दिन निकल जाएगा। तो रूशर तो भाई ये काम तो बस रूशर ही कर सकता है। आजा भाई रूशर इधर की साइड पे आजा आजा भाई, रूशर अब अपना फेवरेट बनता जा रहा है। तो यहाँ से एक देते हैं इनको टैकल अटैक। अब भाई देखना लेट्स गो भाई, 10 आयरन एक बार में इकट्ठे हो जाएंगे। बस मुझे एक ऐसे एंगल से मारना पड़ेगा जो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मिले। तो भाई इधर की साइड से मारते हैं। ओके बट भाई अब एक प्रॉब्लम हो गया, रूशर ना ज़्यादा चल नहीं पा रहा भाई वजन के कारण। बट एक बढ़िया बात है भाई, ये बहुत ज़्यादा कम टाइम में ना अपना रिकवर कर लेता है और ये बार बार टैकल अटैक कर सकता है। तो ये वाला आयरन माइन करके ना इसको घर रख के आता हूँ मैं, फिर आते हैं वापस। तो देखो गाइस भी मैंने इतना सारा आयरन माइन कर लिया है भाई, कुल मिला के अपने पास 260 आयरन हो गया है। तो भाई इसे लेके अब घर चलते हैं, बट जाना पड़ेगा मुझे ऐसे स्लो मोशन में। तो चलो भाई ऐसे रेंगते रेंगते कीड़े जैसे चलते हैं अपने घर पे। ऑल राइट गाइस मैं आ चुका हूँ 2 साल के बाद अपने घर पे, लिटरली भाई बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो देखो सबसे पहले इस सफेद कपड़ा को हटाते हैं, यहाँ पे रखते हैं ये फायरफॉक्स। अब ये जो है अपनी फर्नेस पे काम करेगी आयरन इंगट बनाने का। तो चलो यहाँ पे इंगट सेट कर देते हैं। ओके तो भाई 137 बन रहे हैं, काफी ज्यादा है। तो आजा भाई बापी जल्दी से आ भाई, आज बहुत ज्यादा काम है, फटाफट बना दे भाई। कितनी ज्यादा स्पीड है अबे सिंडिकेट्स का। अबे यार आज बहुत ज्यादा काम है और ये बंदे ना टिकते नहीं है बिल्कुल, कहाँ से आ रहे हैं। कोई बात नहीं भाई आने दो, 3-4 है ना अभी बताएंगे भाई अपने रेंडियर। रुक जाओ इन बेचारों के लिए ये नहीं छोड़ते हैं, अपना ये निकालते हैं ना भाई शाइनी वाला एथिक डियर, ये बताएगा आप देखना क्या टक्कर देगा ये। और मैं ना भाई अपनी चिलेट को भी निकालता हूँ जो हमने पिछले एपिसोड में पकड़ी थी भाई, ये ड्रैगन टाइप को बना अब देखना क्या बजाएगा इनको। चिलेट जा जल्दी से बता हमारे बेस में आते हैं तो क्या होता है। लेट्स गो भाई, चिलेट ने अपना काम करना शुरू कर दिया भाई साहब, ऐसे ही खत्म हो रहे हैं ये तो। अबे तुम्हें नहीं कुछ पता चल रहा क्या? हाँ अब पता चल भाई, चौड़ा नहीं होने का क्या, डंडा बजा रहा है सिर्फ पे। केव में तो बड़े चौड़े हो रहे थे, यहाँ पे हो गए दिखाओ। ओ लेट्स गो भाई, हमें काफी सारे पाल्स पेयर मिल गए हैं और भाई पाल्स सोल भी मिल गया जो कि बहुत ज्यादा सही है। हिले भाई लेट्स गो भाई, रेड सारी खत्म हो चुकी है। चलो चलो अब सारे काम पे लग जाओ, फॉक्स बना रही है ना तू। हाँ हाँ भाई ये लगा बड़ा काम पे। ओके यहाँ पे पार्टियम फ्रेगमेंट भी आ चुके हैं और भाई कितने बने? अबे यार 6 बने। ओ गाइस मैं क्या करता हूँ ना, 2-3 फर्नेस और बना देते हैं और बाकी की फॉक्स को भी छोड़ देते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो एक फर्नेस बना देते हैं यहाँ पे। ओके और एक, अबे यार एक ना फ्लेम ऑर्गन चाहिए, कोई है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, अभी इसको बिल्ड करो तुम सब आके। जालिस पंख तू भी जा, जल्दी से इसको बिल्ड करते हैं, आज हमें ना बहुत ज्यादा काम है भाई। तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ा सा पाल लेके आऊंगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा, कोई भी नहीं मारेगा तुम्हें। ओके भाई हमारी फर्नेस बन चुकी है और मैं क्या करता ना इसमें से थोड़ा आयरन ले लेता हूँ, आधा बनेगा इधर की साइड पे और आधा बनेगा फिर इधर की साइड पे। और अब मैं ना एक और फायरफॉक्स को निकाल देता हूँ, एथिक डियर के बदले छोड़ देते हैं भाई। चलो देखो भाई अपनी दोनों फॉक्स यहाँ पे आयरन बना रही हैं और जो अब अपना लेवल है ना भाई वो 30 होने को जा रहा है। और हाँ गाइस क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये अपना आर्मर रिपेयर करते हैं और आर्मर रिपेयर करने के बाद ना चल के भाई सोते हैं। ओके गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है तो चलो भाई चलते हैं पाल पकड़। ओ गाइस भाई तुमने देखा था भाई पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे एक डार्क एग लगाया था जिसको हैच होने में लिटरली आधा घंटा लग रहा था, बट भाई अब ये हैच होने को तैयार है, हैच करके देखते हैं क्या निकलता है। ओके बढ़िया सा कुछ निकल गया भाई।
मतलब पिछले एपिसोड में जिसको मैं इतना ढूंढ रहा था, इतना मरे मरे फिर देते हम भाई, वो एक एग में से निकल गया। छोड़ो यार छोड़ो, मुझे नहीं करवाना एग हैच, भाई मैं खुद ही पाल पकड़ लूंगा। इस वर्ल्ड में मैंने पहला अंडा हैच किया और भाई उसमें से ये टॉम बैट निकल गया जो हमने पैर ही पकड़ रखा था। चलो भाई गुस्सा तो हो गया टॉम बैट पे, बट अब उसका काम आने वाला है। आ जा टॉम बैट और एक बार ना अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज कर, देख यहाँ पे कौन कौन है। तो ये देखो भाई स्कैन इसने कर दिया और ऊपर की साइड इसने बता दिया कौन कौन से पाल है यहाँ पे। तो उधर की साइड फायरफॉक्स है, ये पेंगुलेट है। वेट 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 भाई, इसने न्यू पाल ढूंढ के दिया सैलरे और ये कह रहा है इधर की साइड पे। ओके चल के देखते हैं, देखते हैं टॉम्बैट मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ तू। ओ नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा ये। अब भाई क्या कर रहा है टॉम्बैट, पागल है क्या वो। देखो एक सैलरे वहां पे खेल दिया, चलो भाई उसको जाके पकड़ते हैं। ओ भाई कितनी सारी हैं। तो चल भाई टॉम्बैट लग जा काम पे, इसको मारना है इसको। हाँ मार इसको, बढ़िया। अबे यार मार नहीं, अबे एलिफेंट से कहाँ पंगे ले रहे हैं। इनको मार, देख वो जा रही, देख देख वो जा रही, वहाँ पे मार उसको, थोड़ा सा डैमेज करियो बस। ओके इतना ठीक है, इतना ठीक है। ओ भाई उसका दोस्त भी आ गया, आ जा आ जा तू भी आ जा, इसको बताइए। ओ लेट्स गो भाई, अपना लेवल 13 हो चुका है, लेट्स गो भाई। अपने पास ये सैलरी भी आ चुकी है। चलो गाइस मैं आ चुका हूँ इस वाली बायोम में, जहाँ पे तुम्हें पता होगा यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे भाई वो ट्रेडर रहते हैं जिनसे हम कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, इस वाली बायोम में ना वुल्फ रहते हैं जिनको आज हमें पकड़ना है भाई, उनको भी नहीं पकड़ा है हमने अभी तक। तो यहाँ से चलते हैं इधर की साइड पे। सामने सिंडिकेट का बेस है भाई, वहाँ पे हमें कोई न्यू पाल मिल जाएगा। अबे यार किस्मत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब है भाई, इन्होंने पेंगुइन पकड़ रखा है जो मेरे पास पहले से है। चलो यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इन्होंने पकड़ रखा है, चलो इसे छुड़वा देते हैं भाई। अबे मुझे ना मार दियो, अबे यार जल्दी से निकलते हैं गाइस, जल्दी से निकलते हैं, मैं इनसे को ना कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता भाई। वो देखो वो देखो, मैंने बोला था ना यहाँ पे वुल्फ है, जाइए टॉम बैट भाई थोड़ा सा काम आसान कर दे भाई मेरा। हाँ बढ़िया बढ़िया, एक और मार। ओ भाई साहब थोड़ा सा देख, थोड़ा सा मारना है इसको, मार इसको, वो तो मार दिया तूने, इसको मैं पकड़ता हूँ। आजा देख ज़्यादा नखरे मत खाइयो, लेट्स गो भाई हमने पकड़ लिया बुल और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं भाई सिंडिकेट के इलाके से। ओ नया नया नया, इधर आ भाई, कहाँ पे गया ये रहा। अबे टेंसी का सहारा ले रहा है, इधर आ तू, तुझे तो मैं ही पकड़ लूँगा। अबे नहीं नहीं, ओ भाई छोटे से में इतनी बिजली, बताइए टॉम इसको, मेरे घर में बिजली जाती है मतलब तू बिजली का करंट लगाएगा। इधर आ भाग, कहाँ पे रहा है भाई, छोटा सा है और इतने ज़्यादा झटके। अबे अभी भी नहीं मानना, आ जा जल्दी से भाई, क्या बिजली लगा रहा है भाई ये। भाई क्या हो गया इसके साथ, ऐसा क्या गुना कर दिया मैंने भाई, आ जाना इसके अंदर। 7-8 बॉल मार चुका हूँ गाइस इस पे मैं भाई, इसने अभी अभी स्पॉन करवाया सिंडिकेट ने भाई, ये भी पोकेबॉल में से निकाल सकता है इसको। रुक जाओ मैं भाई टॉम्बैट को बाहर निकालता हूँ, इसको पोकेमोन मारते हैं। अबे यार मैं ना मर जाऊँ, मुझे ना इधर की साइड पे आना पड़ेगा कवर में। ओके मैंने कैप्चर बॉल मारी है, आजा आजा प्लीज आजा प्लीज आजा प्लीज आ। अबे यार पूरी किस्मत है भाई, मेरे पास ज़्यादा पाल स्पेयर नहीं है, बस भाई 2 हैं और मेरा लेवल देखो बस 14 होने वाला है, बस इसको पकड़ लेना मजे आ जाएंगे। आजा भाई क्या अटैक दे रहा है सही है। अबे यार अब आजा, अब तो देख आना ही पड़ेगा भाई, प्लीज़ आ जाना यार प्लीज़। देख अब हो रहा है ज़्यादा, टॉम्बैट बता इसको, इसको चाय पानी दे। आगे मजे नहीं, ना ना आगे मजे। वे भाई उसने वापस बुला लिया उसको, वो नीचे है ये। अबे नहीं मुझे तेरे पास नहीं आना गाइस, यहाँ से अगर मैं कूदा ना भाई हड्डी पसली एक हो जाएगी। खुश रहियो भाई जरा, जा मुझे नीचे लेके चल। ओ बढ़िया, ओ बस बस बस, ओ भाई कहाँ पे ले आया मुझे गाइस, यहाँ पे ना भाई सिंडिकेट का बेस है। अबे चले थोड़ा सा लड़ भाई इनसे, मुझे कवर दे, मैं उसको ना छुड़ा के लेके आता हूँ। ओ ये तो कोई माऊ जैसी कैट है भाई, मेरे पास जो है ना वो ब्लैक कलर की है, ये वाइट है भाई, सही है वाइट ब्लैक मिल गया मुझे। ओके मेरा लेवल भी 14 होने वाला है बस, चल छोड़ चिलेट आ जा अपना काम हो गया। गाइस मेरा लेवल 14 होने वाला है और यहाँ पे एक मेलपैका घूम रहा है भाई जो मेरे पे अटैक कर रहा है, और मेरे पास ना बस 3 पास पेयर हैं। चलो भाई इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आइयो भाई टॉम बैट, बस थोड़ा सा और कर दे डैमेज, बस 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 अब पकड़ते हैं इसको। आ जा देख ज़्यादा मैटर नहीं चाहिए मुझे, लेट्स गो भाई, मेल पैक आ चुका है और अपना लेवल 14 ये देखो भाई, बस 67 एक्सपी रहती है अपना लेवल 40 होने में, तो वो तो अपने बेस पे हो जाएगा, अपने पाल काम कर रहे हैं वहाँ पे। चलो इस एग को कलेक्ट कर लेते हैं और मैं सामने ट्रैवल पॉइंट ऑन करके घर पे चलता हूँ। बट यार एक प्रॉब्लम है, मैं चला जाता बट इतनी ज़्यादा लंबी खाई है ना भाई, मैं जा नहीं सकता वहाँ तक, मेरा स्टेमिना खत्म हो जाएगा भाई। मुझे लगता है ना अब टाइम आ चुका है नाइट विंग का सैडल बनाने का, अगर वो होता ना भाई हम उड़ के चले जाते। चलो अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो अपने रूसर को बाहर निकालते हैं। अबे लड़ाई लड़ाई नहीं करनी है, चलिए यहाँ से। चलो भाई मैं इस छोटे से विलेज में आ गया हूँ, तुम्हें पता ही होगा यहाँ पे ये ट्रेडर वगैरह रहते हैं, तो इस फास्ट ट्रैवल को यहाँ से अनलॉक करके सीधा चलते हैं घर पे। ऑल राइट गाइज, हम आ चुके हैं अपने बेस पे भाई, अपने यहाँ पे इंगट भी बन चुके हैं,
लेट्स गो भाई, इनको कलेक्ट कर लेते। अबे भारी हो गया, मैं यहाँ पे चेस्ट बनानी पड़ेगी मुझे। भाई आज अपनी फॉक्स पाक ने बता दिया भाई, उसमें भी दम कम है। इतने सारे एंकर स्मेल्ट कर दिए उन्होंने। और भाई अपना लेवल 14 होने में ना 42 XP बाकी है बस। लगता है आधा पाल पकड़ना पड़ेगा किसको। भाई यहाँ पे टेंसी है, ये कराएगा अपना लेवल 14। आइयो भाई लिज पंक नहीं, डायनासोर को बुलाते हैं भाई, ये जल्दी से काम कर देगा। मार क्या सोच रहे हैं अबे हाँ बढ़िया बढ़िया, मैंने मुझे लगा भाई पूरा मार दिया। ओ भाई साहब अपना लेवल 14 हो चुका है गाइज। भाई अब हमें कोई काम नहीं करना, बस पाल्स फेयर बनाने हैं और सीधा चलना है मेमोरस से फाइट करने। तो भाई मैं सबसे पहले दिन करता हूँ, गुड मॉर्निंग गाइज। और भाई रूशर क्या कर रहा है, रूशर आजा अंदर आजा। अभी अपना रूशर है क्या, खाना पानी है क्या तुम्हारा यहाँ पे? हाँ भाई खाना पानी तो है, क्या हो गया तुझे? गाइज ये फ्रैक्चर हो गया। चल कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आराम कर पाल बॉक्स में, यहाँ पे दूसरा रूशर काम कर लेगा। अब हमारा लेवल 14 हो चुका है और अब हम रेसिपी अनलॉक करते हैं मेगा पाल स्फीयर की। और ये पाल स्फीयर ना इस स्फीयर वर्कबेंच पे बनेंगे, तो इसको भी अनलॉक कर लेते हैं। तो चलो भाई लगाते अपना पाल स्फीयर वर्कबेंच। वेट नेल्स चाहिए, तो नेल्स बना लेते हैं अपने इस पे। अबे नेल्स की भी रेसिपी अनलॉक करनी पड़ेगी मुझे, तो ये भी कर लेते हैं। और अब बन जाएगी ना, हाँ भाई अब बन जाएगी। तो मुझे 10 चाहिए ना, तो 11 बना लेते हैं। कोई आएगा मेरी मदद करने? ओ भाई पेंगुलेट आ गया, चलो मैं भी बना लेता हूँ जल्दी से। तो चलो भाई अब बनाते हैं अपना पास फिर वर्क बेंच। तो कहाँ पे बनाएंगे? तो भाई अभी के लिए ना मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, क्योंकि आज ना अपने को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। चल इस पे काम पे लग जा। चलो चलो इस पे जल्दी से थोड़ा मारो भाई, और भी आ जाओ ना। हाँ वो देखो भाई वो अपनी मस्ती में चल रहा है। चलो भाई अपना बन चुका है यहाँ पे पास फिर वर्क बेंच। ओ गाइस तुम्हें कोई आवाज़ आ रही है? वेट भाई ये शाइनी है, कौन कौन है यहाँ पे, कौन है कौन है? भाई फॉक्स, भाई फायरफॉक्स शाइनी है भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई ये फायरफॉक्स। गाइस मैं क्या करता ना लिजपंक को बाहर बुलाता हूँ भाई, वो ज़्यादा ना एग्रेसिव अटैक नहीं करता। अबे उसको कहाँ मार रहा जाके, इसको मार दे किसको? वो नहीं 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 अभी मत मार, अभी मत मार भाई, मेरे पास पास पेयर नहीं है। अभी 2-3 बना के लेके आता हूँ गाइस मैं। चलो यहाँ से थोड़े से बना लेते हैं, तो मे भी 6 इनफ रहेंगे। चल भाई यहाँ पे काम पे लग जा। ओके ओके आजा आजा जल्दी आजा जल्दी आजा। ओह गाइस मुझे लगा भाई वो चली गई, बट अभी भी मुझे आवाज़ आ रही है। ओह गाइस वो देखो कहाँ पे चली गई भाई, अभी अपने हाथ में से निकल जाती। अबे किससे लड़ रहा है? इसको शूट करते हैं भाई, ये कहीं पे जान ही नहीं चाहिए। यहाँ से लड़ इससे मर। ओह गाइस हाइड्रो बॉल है इसके पास। ओपे ओ भाई इसके पास स्पेशल एबिलिटी है गाइस, जल्दी इसको खत्म कर जल्दी। थोड़ा सा मार, थोड़ा सा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब इसको कैप्चर करते हैं, कैप्चर करते हैं। भाई क्या एबिलिटी है इसके पास। ओके उसको देख तू, उसको देख, इसको मैं देखता हूँ। ओह भाई गुस्सा होगी ये। सही है लिजपंक ने उसको मार दिया, इसको ना मैं डैमेज करके मारने वाला हूँ भाई। ओके अबे यार आ कैसे नहीं रही गाइस ये? पता क्या है मेरी भाई वो भी डैमेज पड़ी है, नहीं तो थोड़ा सा इसको और मैं डैमेज कर सकता था। ओके प्लीज आ जा, प्लीज आ जा, लेट्स गो भाई। हमने एक पकड़ी है फॉक्स पार्क, जो एक लेजेंडरी शाइनी फॉक्स पार्क बन चुकी है, क्योंकि भाई उसके पास है एक ज़रा खतरनाक अटैक। हाइड्रो पावर गन है भाई उसके पास, हाइड्रो पावर गन, देखा ना तुमने अभी? भाई मजा ही आ गया, भाई मजा ही आ गया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई ये कितनी ज्यादा बड़ी है। ओ भाई साहब क्या भाई मजा ही आ गया भाई, ये देखो भाई ये है छोटी वाली और ये है इतनी बड़ी वाली। भाई साइज चेक कर रहे, ओ भाई ऐसा लग रहा है जैसे उसकी मम्मी है और वो मम्मी से मिलने आई है। चलो गाइस हमने शाइनी फायरफॉक्स को तो पकड़ लिया है, अब टाइम आ गया है किंग ऑफ द फॉरेस्ट मेमोरस्ट को पकड़ने का। बट उससे पहले भाई यहाँ पे पाल स्फीयर बनाने पड़ेंगे, मेगा पाल स्फीयर। तो कितने बन रहे? 58 भाई 58। तो मैं क्या करता ना 50 बना लेते हैं भाई, 50 में भी इनफ रहेंगे, क्योंकि मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। लिजपंक जल्दी आ भाई बाहर, इसको बनाने में मेरी मदद कर। इन पे मैं और मेरा पाल काम कर सकते हैं, मतलब 2-3 पाल इकट्ठे मिलके काम नहीं कर सकते भाई। और राइट गाइस प्यारे से गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और यहाँ पे जो अपने 50 पाल स्पेयर थे ना वो भी बन के रेडी हो गए हैं। तो ये देखो गाइस अपने मेगा स्पेयर जिनमें हम कैप्चर करने वाले हैं मेमोरस्ट को। तो पहले तो ये स्टैट पॉइंट बढ़ा लेते हैं, तो मैं अपनी ना हेल्थ बढ़ाना चाहूंगा, नहीं नहीं हेल्थ नहीं स्टैमिना बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई आज बहुत स्टैमिना चाहिए। और ना मैं अपने भाई और गाइस टैग टैब में चलते हैं और देखते हैं क्या और अनलॉक हुआ है हमारे डिफेंस के लिए। ओ यहाँ पे एक प्लेट आर्मर खुल गया, इसको खोल लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे अपनी एक क्रॉसबो खुल गया, इसको भी ले लेते हैं। तो चलो भाई अपनी क्रॉसबो वगैरह भी बना लेते हैं। अबे कहाँ पे बनेगी ये? और मेरा न्यू आर्मर भी नहीं बन रहा। ओ वेट भाई मेरे पास यहाँ पे एक हाई क्वालिटी वर्क बेंच है जो मैंने पिछले एपिसोड में ओपन किया था, इसको लगाते हैं यहाँ पे, इस पे बनेंगी ये चीजें। आइयो भाई लिजपंक जरा इसको बनवा। ओके भाई अपना हाई क्वालिटी वर्क बेंच बन के तैयार हो गया, और अब यहाँ पे बनाते हैं ये देखो अपना पहले प्लेट आर्मर बनाते हैं। अबे कहाँ पे जा रहा भाग के, इधर आ, तेरी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, बना जल्दी से इसे। ओके तो अपना न्यू प्लेट आर्मर बन के रेडी हो चुका है, और भाई इसको पहन के देखते हैं कैसा लगता है। ओ भाई कितना ज्यादा कूल लग रहा है भाई ये। ओके चलो सही है,
और एक यहाँ से ना मैं शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ, इसकी मुझे बहुत जरूरत है। चलो अपनी शील्ड भी बन गई है। और यहाँ से मुझे क्रॉस वो बनाना है, बट उसके लिए नेल्स चाहिए, तो नेल्स तो यहीं से बन जाएंगी। तो मैं बाई बना लेता हूँ, बना भी लेते हैं जल्दी से बना। ओके, तो यहाँ से अब अपनी क्रॉस वो बना लेते हैं। ओ भाई, क्रॉस वो बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। ओ मैं क्या करता हूँ ना, जब तक यहाँ पे अपनी एरो बना लेते हैं। एरो तो यहाँ पे बन जाएंगी ना। हाँ सही है, एरो बन जाएंगी। तो यहाँ से काफी सारी एरो बना लेते हैं। अबे कोई आ जाओ यार मदद करने के लिए। भाई किसी को परवाह ही नहीं है, इतना बड़ा मैं दोस्त पकड़ के लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। वो आया फोडलर आया। आजा साथ में बनाते हैं। चलो भाई इतनी एरो काफी है अभी के लिए। भाई साहब क्रॉस वो अपना बन चुका है यहाँ पे। अब ऐसे दूर दूर एरो मार सकते हैं भाई मेमरोस्ट के ऊपर। चलो भाई ग्लाइडर भी ले लेते हैं यहाँ से। ओके गाइस, अब हम फुल पेटी पैक तैयार हो गए हैं, मतलब यार फुल तैयार हो चुके हैं। अपने पास शील्ड है, आर्मर है और भाई बाकी के सारे टूल है जो हमें फाइट में चाहिए। बट इनसे अलावा बस मैं एक चीज नहीं रखने वाला। रुको भाई, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये अपनी जो पार्टी में पाल है ना भाई, मैं इनको नहीं रखने वाला। तो मैंने अपने पार्टी खाली कर दिया है, क्योंकि भाई देखो ये फाइट मेमोरी स्टोर मेरे बीच की है। तो अपने पाल के बीच में आए, लिटरली भाई वो इतना ताकतवर है ना, मुझे तो मार ही देगा, मेरे पास को ही मार देगा। तो इसलिए मैं अकेले जाने वाला हूँ। तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइस तुम सोच रहे होगे मेरी पार्टी में एक भी पाल नहीं है, तो मैं इसको डिफीट कैसे करूंगा। तो भाई मैंने जब पिछली बार इससे लड़ाई की थी ना, मुझे पता लगा भाई इसको फायर से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, और उसके लिए मुझे चाहिए ये कैंप फायर। और एक नहीं भाई बहुत सारी, लिटरली भाई बहुत सारी कैंप फायर लगेंगी यहाँ पे, और उसके लिए लगेगी काफी सारी वुड। तो देखो गाइस मैं अपने घर से काफी सारी वुड ले आया हूँ, और अब बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे फायर ट्रैप। तो देखो भाई हम ज्यादा आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इसका इलाका है, तो हमें थोड़ा पीछे करके लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो बेसिकली हम क्या करने वाले ना, उसके ऊपर अटैक करके मैं इधर उसको कैंप फायर की तरफ लेके आऊंगा, और जब वो इधर की साइड पे आएगा ना, फिर वो इनके ऊपर जब पैर रखेगा भाई उसमें लग जाएगी आग। और भाई पहले इनको बना देते हैं, नहीं तो ना बाकी की टूट जाएंगे फिर ये। तो मैं क्या करता भाई, आग लगने के बाद ना उसको बहुत ज्यादा अच्छा खासा डैमेज पहुंचेगा, और जैसे उसकी एचपी बहुत ज्यादा लो आ जाएगी ना, जब भी हम उसको अपने मेगा स्पेयर में कैप्चर कर लेंगे। तो मैं तुम्हें ना बहुत सारी यहाँ पे कैंप फायर लगाने के बाद मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने मेमोरेस्ट के लिए ट्रैप बना दिया है, और चलो मैं तुम्हें अपना प्लान समझाता हूँ क्या है। तो देखो सबसे पहले हम मेमोरेस्ट पे अटैक करेंगे, फिर वो हमारे पीछे पीछे आएगा, और मैं चढ़ जाऊंगा यहाँ पे, और मुझे ना ऐसे जल्दी से सामने वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंचना होगा। तो यहाँ पे मुझे जस्ट ऐसे खड़ा हो जाना है, और उसे ऐसे क्रॉसबो से हिट करना है, और वो मुझे मारने के लिए ना और मेरे पास आएगा, और मुझे फिर जल्दी से यहाँ से ऐसे भागते हुए जाना है इस तरफ, और यहाँ पे आके मुझे ऐसे नीचे उतर जाना है, और जो ये फाउंडेशन है ना, जल्दी से मुझे यहाँ पे एक वुडन वॉल लगा देनी है ऐसे करके। तो चलो भाई लेते हैं मेमोरी से पंगा, और देखते हैं भाई अपना प्लान कामयाब होता है या नहीं होता है। और रुको 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 भाई, पहले वॉल तो हटा दूं, नहीं तो जाएगा ये कहाँ पे, मुझे मार देगा। और गाइस मैंने इतनी सारी कैंप फायर लगाई है ना, ये देखो भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा गर्मी है भाई, मुझे भी डैमेज हो रहा है। तो इसलिए ना भाई मैं ये आउटफिट बना ले आया था, ट्रॉपिकल आउटफिट। तो इससे ना हमें थोड़ी सी घट गर्मी लगेगी, ये देखो। तो देखो गाइस पहले मैं इससे खुद फाइट लेने वाला हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ हम इसको कितना डैमेज दे पाएंगे इस क्रॉसबो से। तो चलो भाई करते हैं फाइट शुरू, मैं थोड़ा इधर की तरफ आ जाता हूँ भाई, कभी दाब ना दे भाई। ये देखो एक उधर आती है और एक यहाँ पे है। चलो चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं फाइट। ओ भाई मैंने इसकी आंख पे मारा, दो का डैमेज पड़ा है। अबे रुक जा। ओ बे नहीं, विंड कटर नहीं भाई, टर्नेडो अटैक दे दिया, विंड कटर बोल रहा था। अबे यार सैंड ब्लास्ट, अबे रीलोड तो कर ले से पागल से, वो चटनी बना देगा तेरी। ओके ओ भाई, मतलब इसकी आंख पे मारो तो दो का डैमेज हो रहा है, और भाई इसके सिर। अबे नहीं मजाक कर रहा हूँ, अबे छोड़ दे भाई। बच गया भाई मैं। ये देखो भाई इसकी बाकी बॉडी पर तो एक का डैमेज हो रहा है। नहीं। ओ भाई बुलेट शील्ड, गाइस इसने मेरी शील्ड क्रैक कर दी भाई। ओए भाई, ओ ओ चल कैसे रहा है ये। ओ भाई माइकल जैक्सन मर गया ये तो। वो देखो चल कैसे रहा है। अबे नहीं, ये देखो भाई टर्नेडो अटैक दे दिया। अगर इसमें एक बार फंस गया ना मैं भाई, फिर नहीं फंस सकता। अबे नहीं, अर्थ अटैक नहीं भाई, ये वाला अटैक ना सबसे गंदा अटैक है इसका। देखो गाइस तुमने देख लिया होगा हम इसको कितना कम डैमेज दे पा रहे हैं, ये देखो भाई। ऐसे तो बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। तो मैं क्या करता ना, इसको अपने ट्रैप की तरफ ले चलता हूँ। आ जा भाई मेमोरस, जल्दी आ जा। चलो गाइस जल्दी से यहाँ पे चलते हैं। ओके, अबे सोलर बीम मारी उसने, आ जा यहाँ पे आ। अबे नहीं ये नहीं भेजने इधर। अबे यार कैंप फायर ना तो, ओ भाई कैंप फायर तोड़ देगा ऐसे तो ये। हाँ यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं इधर की साइड पे आता हूँ। ओके ये देखो भाई इसको आग लगनी शुरू हो गई है,
और भाई इसकी एचपी देखो गाइस, इसकी एचपी देखो भाई कैसे डाउन जा रही है। मैंने तुम्हें क्या बोला था भाई, एक तो इसको फायर लगी हुई है और ऊपर से इसको गर्मी लग रही है भाई। ये देखो इसकी सूंड अबे बेस्ती क्या मेवराज, भाई लिटरली बता रहा हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है ना इस टाइम, पता नहीं अपने सूंड से कहाँ पे भाई मुझे भेज देगा, इतना बड़ा वर्ल्ड है ये यहाँ पे भाई इतने खतरनाक बॉस के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और भाई वो टच भी नहीं कर पा रहा, मतलब टच तो कर रहा है सूंड से बट कुछ भी कह नहीं पा रहा मुझे। और भाई मेरी पार्टी देख रहे हो भाई, खाली पड़ी है भाई, कोई भी पाल नहीं है मेरी पार्टी में भाई, अकेले निपटाएंगे। और गाइस एचपी देखो भाई, भाई भूल जाओ भाई, किसी भी पाल को भूल जाओ, एचपी देखो तुम भाई। तुम्हें पता नहीं होगा मैंने इतने सारे यहाँ पे टेबल लगाए, रिपेयरिंग टेबल, क्राफ्टिंग टेबल भाई, ये इसलिए लगाए थे मेरे आर्मर वगैरह डैमेज होंगे ना, मैं यहाँ पे रिपेयर कर लूँगा। ये देखो भाई लेदर वगैरह सब कुछ लेके आया था मैं। और गाइस हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी एचपी ना बहुत जल्दी डाउन जा रही है, तो मैं ना अपनी मेगा स्पेयर बाहर रखता हूँ, जब इसकी एचपी बिल्कुल 100 पे आ जाएगी ना मैं इसको यहाँ से बाहर निकालूंगा उधर की साइड पे जहाँ पे इसका एरिया है, नहीं तो भाई ये जल के राख हो जाएगा। ओ भाई एक बार वहीं पे स्पॉन हो गया वो। ओ भाई साहब गाइस देखो भाई कितना ज़्यादा गुस्से में हो पड़ा ये। गाइस देखो इतनी सारी एचपी इसने एक मिनट में डाउन कर दी ये वाली आग ने, तो भाई यहाँ से ना कैंप फायर थोड़ी सी घट कर देते हैं, मुझे लगता है ना भाई वो मर जाएगा अगर मैंने दोबारा उसको इधर बुलाया तो यहाँ से ये हटा देते हैं ये वाली भी और यहाँ से भी। अबे यार चेस्ट भर गई मेरी। तो देखो गाइस अब सीन क्या है ना, मैंने यहाँ से कुछ कैंप फायर तो हटा दिया है, अब हमने बस इसको ना 200 तक कैसे भी करके लेके आना है, फिर हम इसको खुले ग्राउंड में ले जाएंगे। चलो भाई अबे एथिक डियर हट जा, बीच में पिट जाएगा। ओए सुनता नहीं है तुझे। ओ भाई सुन गया सुन गया। चलो भाई थोड़ा सी पेट पूजा कर लेते हैं, अब भाई इसको शूट करते हैं। अबे ऊपर चल, ऊपर चल, भून देगा तुझे। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा मुन्ना, आ जा आ जा आ जा आ जा। अबे इधर की साइड पे आना। वो गाइस देखो इसको पता है कैंप फायर लगी हुई पड़ी है इधर। हाँ इधर इधर अब लगेगी आग इस। ओए भाई लिटरली इसके सींग पे बैठा हूँ मैं। इधर आ इधर आ, कोने में आ थोड़ा सा। हाँ आग क्यों नहीं लग रही भाई इसको। ओ लगी 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 गाइस 300 300 200। चलो गाइस चलते हैं भाई, हो गया हो गया हो गया हो गया, बॉल फेंकते हैं भाई। अबे अबे आ जा आ क्यों नहीं रहा गाइस, मैंने मेगा स्पीयर बनाया भाई आ ही नहीं रहा वो। भाई यार इसके लिए इतनी ज़्यादा तैयारी करी थी। अरे यार प्लीज़ उठ जा यार मेमरेस्ट, देख मैं घर पे सबको बोल के आया हूँ तुझको लेके जाऊँगा। अबे उठ जाना यार, अबे ये तो कीड़े जैसे गोल हो गया भाई। अरे नहीं यार ये नहीं हो सकता, इतने पाल पकड़े अपना लेवल 14 करने के लिए, आयरन माइन करके लेके आया मेगा स्पेयर बनाने के लिए। भाई क्या कुछ नहीं किया भाई मेमरेस्ट तेरे लिए, अरे तू ऐसा कर रहे हैं, आ जाता ना भाई मेरे साथ, क्या दिक्कत है तुझे। अबे यार चलो गाइस मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और वो देखो भाई रात होने वाली है, तो मैं ना दिन करने वाला हूँ और नेक्स्ट डे को एक बारी फिर से जाने वाला हूँ। चलो गाइस गुड मॉर्निंग, लेट्स गो भाई, मेमरेस्ट फिर से आ चुका है। तो चलो भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ और इसको शूट करते हैं, तो चलते हैं इधर की साइड पे। आ जा भाई मेमरेस्ट, देख अब की बारी ना आज। ओए पागल है क्या, इधर आ इधर आ। अबे यार तेरा लड़ाई का मूड है भाई, तुझे पता, वेट भाई तुझे पता था क्या पिछली बारी कैप्चर कर रहा था मैं तुझे। इधर आ भाई, तोड़ ना दियो फाउंडेशन वगैरह। अबे ओ गाइस, ओ भाई साहब, भाई याद है इसको, ये देखो कैसे भाग रहा है। ओ भाई अबे यार इधर आ ना, अबे यहाँ पे रहे बस। अबे पागल है क्या, लेट्स गो भाई, इसको आग लगनी शुरू हो चुकी है और मैं ना यहीं पे खड़ा रहता हूँ भाई, जो कि ये इधर उधर ना जाए, नहीं तो ना अपने अटैक करने शुरू कर देगा ये। चलो गाइस ये 500 पे आ चुका है, अब इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। अबे भाई बुलेट सीट मारी, अबे आजा जल्दी आजा बाहर। अबे यार अर्थ अटैक मार रहा है, ये देखो गाइस यार ये आ ही नहीं रहा है, ये देखो। अबे इधर आना पागल, मर जाएगा इधर आ। गया गया तू, गया फिर से गया इधर आ। ये देखो भाई
अब चलो यार कुछ नहीं कर सकते, बट चलो फिर भी हमने बॉस को तो हरा ही दिया, वो भी 14 लेवल पे। और भाई ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्योंकि ये 38 लेवल का था। और राइट गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने बेस पे। अभी के टाइम ना हम अपने मेमोरेस्ट को नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए गाइज चलेंगे हम आगे की तरफ जहाँ पे ये पैनकिंग है, इसको पकड़ के लेके आएंगे, किंग पाका से भी फाइट करेंगे। और गाइज साथ ही हम जाने वाले हैं उस साइड पे। तो चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज अपने मेमोरेस्ट को दो बारी हराया भाई, उसको कैप्चर करने की कोशिश तो करी, बट भाई उसकी मर्जी, वो अब नहीं आ रहा। अब भाई हम क्या कर सकते हैं, बट भाई तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट टाइम उसको हम जरूर अपने बेस पे लेके आएंगे। तो चलो यार अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करना, और भाई अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर करना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।